नंबर 35 में हम आते हैं। डाउन द रोड ए ट्रेन पासिंग अ मोस्ट एस्टोनिश्ड पुलिसमैन। अब जैसे ही वो ट्रेन चलती चलती जाती है तो वो एक पुलिसमैन के पास से गुजरती है। हु कुड हार्डली बिलीव हिज आइज। और वो जो पुलिसमैन होता है वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है कि एक खिलौने वाली ट्रेन चल रही है। ए ट्रेन फॉर ए वेरी लॉन्ग वे एंड एट लास्ट सेड इट वॉज रियली गेटिंग वेरी टायर्ड। अब वो जो ट्रेन रहती है चलती जाती है और इतने में पता चलता है कि ट्रेन बहुत थक गई है। देयर इज अ कॉटेज नियर बाय सेड द क्लाउन। अब जो ट्रेन चलाने वाला रहता है वो क्लाउन होता है। वो बोलता है कि पास में एक कॉटेज मुझे दिख रहा है। लेट्स गो एंड सी इफ एनी चिल्ड्रन आर देयर एंड इफ दे लुक नाइस और नॉट। तो बोलता है वो जो पास में घर है वहाँ पे हम चल के देखते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कोई बच्चे होंगे और वो बच्चे अगर देखने में हमें अच्छे लगेंगे तो हम उनके पास रुकेंगे। सो ऑफ एंड टू द ट्रेन अगेन एंड स्टॉप जस्ट आउटसाइड द कॉटेज। अब इतने में क्लाउन वापस से ट्रेन चलाता है, चलाते चलाते उसी कॉटेज के पास ले जाके रोकता है। इट वॉज अ वेरी पुअर कॉटेज एंड इनसाइड द रूम द टॉयज कुड सी थ्री चिल्ड्रन लाइंग स्लीप इन ए बेड। अब जैसे ही वो लोग उस कॉटेज के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि किसी गरीब का घर होता है और उस गरीब के घर में भी तीन बच्चे जो होते हैं वो बेड पर सोए रहते हैं। द मून शोन ऑन ए रेड डॉट दैट द एल्डेस्ट चाइल्ड वॉज कडलिंग। द मून शोन यानी चांद जो होता है वो चमकता रहता है। ऑन ए रैग डॉल और एक टूटी सी डॉल होती है। दैट वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड वॉज कडलिंग। और वो जो उसमें से सबसे बड़ा जो बच्चा होता है वो उसी डॉल के साथ लेटा होता है। ऑन ए टेबल नियर बाय वॉज ए पीस ऑफ पेपर विद ए ब्यूटीफुल ट्रेन ड्रॉन ऑन इट। अब उसी पास में एक टेबल के ऊपर एक कागज के ऊपर ट्रेन बना ही रखी रहती है। द बॉय मस्ट हैव डन दैट। अब वो सोचती है कि ये ज़रूर उस लड़के ने ड्रॉ किया होगा। विस्पर द क्लाउन, वो जो क्लाउन होता है वो बोलता है कि ज़रूर ये लड़के ने ड्रॉ किया होगा। ही मस्ट बी फाउंड ऑफ ट्रेन्स। वो सोचता है कि उसको लगता है ट्रेन्स बहुत अच्छी लगती हैं। द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ ऑल हेल्ड अ वेरी ओल्ड रैबिट इन हर हैंड्स। और जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है वो एक रैबिट को अपने हाथ में दबा के सोया होता है। इट हैड लॉस्ट वन ईयर एंड इट्स टेल। और वो जो रैबिट होता है उसका एक कान गायब रहता है और उसकी पूंछ भी टूटी हुई थी। बट इट लुक्ड वेरी हैप्पी बिकॉज द लिटिल गर्ल लव्ड इट। लेकिन वो भले ही उसका खिलौना टूटा होता है लेकिन वो बहुत ही देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो टूटे हुए खिलौनों को भी वो लोग बड़े प्यार से पकड़ कर सोते हैं। दैट्स ऑल द टॉयज दे हैव गॉट सेड द क्लाउन। अब क्लाउन बोलता है बस इन गरीबों के पास में यही इतने खिलौने और कुछ नहीं। दे लुक टू बी काइंड चिल्ड्रन एंड आई एक्सपेक्ट दे वुड लव अस। वो बोलते हैं कि देखो इनके पास इतने ही खिलौने हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को ये लोग बड़े प्यार से रखेंगे। शैल वी क्लाइंब इन फ्रॉम द विंडो एंड वेट फॉर देम टू सी अस व्हेन दे वेक अप। वो बोलते हैं चलो हम इस खिड़की से सब के सब अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं जब ये बच्चे जागेंगे और हमें देखकर ये कैसा ट्रीट करते हैं। एवरीवन एग्रीड एंड वन बाय वन द टॉयज क्लाइंब इन थ्रू द विंडो। अब सारे खिलौनों ने आपस में तय कर लिया। अब धीरे धीरे एक एक करके सारे के सारे खिलौने विंडो के थ्रू अंदर आ गए। व्हेन द सन शोन इन थ्रू द विंडो द थ्री चिल्ड्रन वोक अप। जैसे ही सन शोन यानी जैसे ही सुबह हुई सूरज निकला तो सारे तीनों बच्चे जो रहते हैं वो उठते हैं।